हाल ही में हमारी जिंदगी में आए हैं, जो हमारी बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें अगर पता चल गया कि आप पूजा के साथ किस तरह का सलूक करते हैं तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? आप अपनी हकीकत के बारे में परवाह करें तो ज्यादा बेहतर है आपकी सेहत के लिए। मैं अपने आप को आपका डिवोर्स लॉयर अपॉइंट करता हूँ। इजाजत, पूजा के बारे में क्या सोचा है? मैं अपने आप को किसी को सहारा देने लायक बना तो लूं, उसके बाद पूजा या किसी और के बारे में सोचूंगा। पहले इस खिलनानी से तो मिल ले, वो श्वेत लाना के चंद आंसुओं की वजह बन गया था। तो आपने क्या सोच लिया? मतलब ये आपका मुकदमा मिस्टर शाह के वकील लड़ेंगे या मुझे लड़ना होगा, ताकि मैं उस हिसाब से तैयारी शुरू करूं। लेकिन आप पहले ये बताइए कि हमारे 5 लाख रुपयों का क्या हुआ? करण को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ और मैं उससे नफरत करता हूँ, यहाँ तक के मेरे किसी दोस्त की उसके साथ दोस्ती में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हमारी कंपनी के रूल्स के मुताबिक कंपनी के चेयरमैन का ऑफिशियल रेजिडेंस है सिल्वर एस्टेट। एज अ कंपनी चेयरपर्सन आई थिंक उन्हें सिल्वर एस्टेट में रहना चाहिए। गड़ी साहब क्या आप यहां हैं? आओ चोपड़ा, आओ, यहां तुम्हारे केडी साहब के अलावा और कोई नहीं, ना कोई आदमी ना आदमी जात। अपनी जबान की धार बनाए रखो। आओ बोलो। ओ केडी साहब, मैं इस पचड़े में फंस कर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा खून ऐसे हाई ब्लड प्रेशर की रफ्तार से दौड़ रहा है कि ना जाने दिल कब दम तोड़ दे। केडी साहब, मैं ये खौफ अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। चोपड़ा, ये तुम्हारे माथे पर जो पसीना है ना, उसे पोंछ दो। अरे मर्दों वाला जिस्म है तो मर्दों वाला कलेजा भी रखो। अरे इतनी बड़ी कामयाबी के बाद औरतों वाली घबराहट तुम्हें शोभा नहीं देती चोपड़ा। और ऐसे ही कारनामों से आदमी अपनी जिंदगी की तकदीर और बुलंद बनाता है। केडी साहब, आप तो यहां अंदर छुपे बैठे हैं और बाहर जो गुजर रहा है वो तो सिर्फ मैं ही भुगत रहा हूं ना, और उधर पुलिस भूखे भेड़िए की तरह आपकी तलाश शहर के चप्पे चप्पे में कर रही है। मुझे तो शक है कि उनकी नजर मुझ पर भी है। ये तुम्हारा डर है, वहम है। कल को तुम्हें ऐसे भी लगने लगे जैसे तुम्हारी अपनी परछाई ने पुलिस की वर्दी पहन ली। चोपड़ा, मैं जानता हूं कानून के हाथ लंबे हैं, हाँ लंबे हैं, लेकिन केडी के पांव उससे ज्यादा लंबे हैं। ऐसी छलांग मारकर दिखाऊंगा कि कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर। केडी साहब, आपका यहां से बाहर निकलना नामुमकिन है और आप अंदर छुपे भी नहीं रह सकते। चोपड़ा, फिलहाल तो मैं तुम्हारे रहम और करम पर हूं। एड़ी चोटी का जोर एक कर दू, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को बुनवाकर मुझे मिडल ईस्ट पार्सल करवा दो। और इस आखिरी कोशिश में, ध्यान से सुनना, इस आखिरी कोशिश में कोई कसर बाकी मत छोड़ना। ऐसे खतरों के मामलों में ये सारे बंदोबस्त करना आसान नहीं है। हाँ चोपड़ा, आसान काम तो तुम जिंदगी में काफी कर चुके हो, अब जरा मुश्किल खेल हो जाए। एक बार मैं मिडल ईस्ट पहुंच जाऊं बस, फिर देखना, वहां बैठकर तुम्हारे इस हथेली की ऐसी ऐसी रेखाएं खींचूंगा कि चांदी तुम्हारे लिए चिल्लर और सोना तुम्हारी जेबों में होगा। मैं कोशिश कर, नहीं नहीं कोशिश नहीं, वो तो तुम कर ही लोगे। कमाल की बात तो इसमें होगी कि यह बंदोबस्त तुम कितनी जल्दी कर पाते हो। केस की तैयारी तो होती रहेगी वकील साहब, लेकिन आप ये बताइए कि आप हमारे 5 लाख रुपए कब वापस कर रहे हैं? आप उन 5 लाख रुपयों की चिंता मत कीजिए, वो पैसे पूरी तरह हिफाजत में हैं। किसकी हिफाजत पे है? क्या है कि श्वेतलाना जी ने मुझ पे उन पैसों की जिम्मेदारी छोड़ी थी, लेकिन मेरे ख्याल से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि केस के बारे में क्या किया जाए। अब पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, ये चीजें तो बाद में भी सोची जा सकती है। क्यों? देखिए वकील साहब, बात यह है कि हम लोगों के पास फालतू पैसा तो है नहीं, तो इसलिए इन दिनों हमें केस से ज्यादा अपने पैसों की चिंता है। आप हमारे 5 लाख रुपए वापस लौटा दीजिए। नहीं, लेकिन
आपके 5 लाख रुपए मैं कौन से हिसाब से लौटा? नहीं, मेरा मतलब क्या है कि उसमें से 2 लाख रुपए मुझे कोर्ट में डिपॉजिट के तौर पे रखने पड़े। लेकिन डिपॉजिट तो वापस होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन जल्दी भी तो क्या है। नहीं, बात यह है वकील साहब कि हम लोगों को कुछ रुपयों की जरूरत है, इसलिए आप हमारे रुपए वापस लौटा दीजिए। नहीं क्या है माता जी, लेकिन वो पैसे श्वेतलाना जी को तो नहीं मिल सकते। क्यों? क्या है कि वो मैंने अपनी फीस समझ कर अभी तक कोर्ट से निकाली नहीं। आपकी फीस 2 लाख है? श्वेतलाना जी, आज की तारीख में कोर्ट कचहरी में 2 लाख फीस वाली कोई इज्जत है या नहीं है? और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप दोनों भी मेरी उतनी इज्जत करती हैं, तो 2 लाख के लिए आप ना नहीं कहेंगे। और बाकी 3 लाख? हाँ, वो क्या हो गया कि अपील करने में कुछ पैसे खर्च हो गए, और जो कुछ बचे वो शायद आगे भी तो काम आ सकते हैं। ठीक है, बाद में केस के लिए जो जरूरत पड़ेगी आप मुझसे मांग लीजिए, फिलहाल वो 3 लाख आप लाकर मुझे दे दीजिए। वो पूरे 3 लाख तो मेरे पास नहीं है। तो क्या 10 लाख हड़प करने का इरादा है? श्वेतलाना जी, आपकी माता जी को समझाइए, मुझ पर ये उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही है। नहीं सुरेश, मेरी मम्मी जो भी कह रही है ठीक कह रही है, पैसे लौटाने की आपकी नियत ही नहीं लगती। कंचन के पति होने के नाते मैंने आप पर भरोसा किया था, और कंचन की सहेली होने के नाते मैं आपकी ये अनाप शनाप बातें बर्दाश्त कर रहा हूं। मिस्टर खिलनानी, इस नाम का कितना दबदबा है आज की तारीख में, कोर्ट में जाके पूछिए आप। 2 लाख रुपए आपसे मांगे, आपके लिए मेरी फीस भी कम कर दी, और वो भी देने के लिए आप दोनों की नानी मर रही है। इसीलिए मैंने कंचन से कहा था कि पेशे में मुझे रिश्तेदारी नहीं करनी। अरे, एक तो आप लोगों के लिए मैंने दुनिया भर की भागदौड़ की, उसका ये सिला दिया आपने मुझे। मेरी नीयत पर शक किया आपने। आप एक काम कीजिए, वो 2 लाख आप अपने पास रखिए बतौर आप अपनी फीस के, और 3 लाख में से जो बचा है वो आप हमें वापस कीजिए। भूल जाइए वो 3 लाख रुपए। एक तो आपने मुझे आपके घर पे बुलाकर बेइज्जत किया, उसकी कीमत है ये। देखिए, मैं मोहब्बत में किसी की बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यानी कि आप वो पैसे नहीं लौटाएंगे? जी नहीं, आप दोनों को जो भी करना है वो करिए। थैंक यू मैडम। अब काहे हमको ये वातावरण में ले आए हो? क्यों, क्या हुआ? अरे, हमारा खालस देसी नाक को विदेशी वातावरण का हवा सूंघना पड़ रहा है। हम अपना ये मुंह और ये 2 नाक, इन 3 चीजों के जरिए बाहर का ऑक्सीजन खींच रहा हूँ। इस ऑक्सीजन की भी आदत तुम्हें पड़ जाएगी त्यागी। अगर आप इतने प्यार से हमका त्यागी कहती रही ना, तो हम तो ससुराई ऑक्सीजन तक त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो फिर माय फेयर जेंटलमैन, आराम से बैठिए ना। हम तो आराम से ही बैठा हूँ। और तने की जनता जनार्दन को देखिए, ऐसे देख रहे हैं जैसे 26 जनवरी का झांकी देख रहे हैं। कैसा टुकर टुकर देख रहा है। टुकर टुकर? अरे टुकर टुकर भाई। हो अच्छा, टुकर टुकर। आप हमारे मन का भाव कितनी जल्दी समझ जाती। तो फिर तुम भी मेरी बातें जल्दी समझना शुरू करो ना। अभी तो हमारा इतना समझ में आ रहा है देवी जी कि हमारा ससुरा नुमाइश लग गया। क्यों? अरे जो बात लोगन ने कल तक सुना था वो आज अपना आंख से देख भी लिया। क्या भाई? कौआ का चोंच में मोती वाला बात। अगर मैं मोती हूं ना त्यागी, तो तुम हीरे हो। जवानी जी, इस समय आप जैसे जौहरियन का नहीं रहा। ससुरा इनको देखिए, इनका 22 कोप चल रहा है। भैया सुल्लम पाक, त्यागी जाने दो ना प्लीज। का मिजाज खराब हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? हम तुम्हारे गर्दन का हड्डा ढूंढ रहा हूँ, समझा? कम कपड़ा में जनाना को देख के तुम्हारा हड्डा गायब हो गया है? बिना धागे का लट्टू का माथा घूम रहा है। त्यागी प्लीज जाने दो ना। मैडम, हम तुम्हारे गर्दन ऐसा गाड़ दूंगा। त्यागी प्लीज जाने दो ना इन्हें। प्लीज इन्हें बाहर निकाल। सॉरी, मैं देखती हूँ। त्यागी प्लीज। अब बैठिए, इधर आ। हम कहूँ यहाँ से बिना खाना खाए चला गया ना मैनेजर, तो तुहरा होटल साथ लेकर जाऊंगा, समझा? त्यागी, हमर का बदमाशी के लिए ज्यादा ना उकसा। त्यागी प्लीज। सॉरी मम्मी, क्या आप कोई भी काम समझदारी के साथ नहीं कर सकती? क्यों चिल्ला रही है? कौन से काम की बात कर रही है? आपने पापा को क्या नोटिस भिजवाया है? इस मामले में मुझे तुझसे कुछ नहीं सुनना है। एक्सक्यूज मी, पर ये मामला इस घर का है,
ये मामला मेरे माँ बाप का है और ये मामला हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखता है, इसलिए आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ, तुझे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं और दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। आप जब चाहे हम आंखें बंद कर ले और आप जो दिखाना चाहे हम वही देखे। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू पंचायत लेकर बैठ गई? मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बेटियों के लिए कर रही हूँ और अपने लिए कर रही हूँ। 10 करोड़ आपके लिए या आपकी बेटियों के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा है। मम्मी हम इतनी दौलत का क्या करेंगे? तू नहीं जानती मुझे सारी जिंदगी काटनी इस दौलत के साथ और तुम दोनों की शादी करानी है। सब खोखली बात है, आप पापा को परेशान करना चाहती है इसलिए ये सब कर रही है। तो होने दे तेरे पापा को परेशान, उन्होंने क्या हमें परेशान नहीं किया? और वैसे भी इस एलिमनी पर मेरा हक है। पापा की बीवी तो अब बन नहीं सके और अब जब एलिमनी की बात आई तो जज से कानूनी हक मांगने लगे। ध्यान रखे मम्मी, अगर आप पापा के खिलाफ हो गए तो हम भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। दुबई की याद आ रही है? दो एक रोज में सपने में आ जाता और मुझे वहम हो गया था कि तुम आजकल सपनों में सिर्फ मुझे ही देखते हो। रेनू तो अब तुम सपना का हकीकत बन गई हो, और दुबई में रात में क्या, मैं तुम्हें दिन में भी सपने में देखा करता था। एक बात बिल्कुल सच सच बताओगे? दुबई से तुम्हारे वापस आने की वजह मैं हूँ या कोई और? सबसे बड़ी वजह तुम हो। तुमसे जो मुझे प्यार मिला वो ना पहले कभी मिला था और ना कभी मिलेगा, और दुबई में बिना दिल के मैं क्या करता? सच कह रहे हो? तुम्हें वहां कोई मिली नहीं या तुमने ढूंढी नहीं? और ढूंढने की चाह ही नहीं हुई मुझे। और अब अगर यहां कोई तुम्हें मिल जाएगी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? रेनू तुमसे छुटकारा पाना तो नामुमकिन है। मैं यहां आते ही सीधा तुम्हारे पास आ गया और मेरी जिंदगी में किसी और का आना नामुमकिन है। यू नो अरुण, मुझे लगता है सूरज की गिरफ्तारी उसकी बदकिस्मती की वजह से नहीं बल्कि हमारी खुशकिस्मती की वजह से हुई, ताकि हम दोनों साथ रह सके। अरुण थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। तुम्हारे दुबई से वापस आने के बाद मुझे जीना आ गया है, मेरी जिंदगी का हर पल खुशियों से भर गया है। बहुत खुश हूँ। इस आदमी को कहीं देखा है? बंसल साहब। मुझे ज्यादा लेट तो नहीं हो गया? मुझसे नहीं, इस बोतल से पूछी जो आपके इंतजार में बेताब हो रही थी। हुजूर, मुझे रात को बीवी की बेताबी से ज्यादा मुझे बोतल की बेताबी की फिक्र रहती है, मगर मेरी मजबूरी है कि घर में बीवी पीने नहीं देती। अरे ये कैसे हो सकता है कि बंसल साहब की बीवी उन पर पाबंदी लगाए? हो ही नहीं सकता। उनको डर नहीं लगता कि आप उन्हें तलाक दे देंगे? तलाक के साथ एलमनी भी तो देनी पड़ेगी। वैसे बंसल साहब, एलिमनी तो आपको तब देनी पड़ेगी जब आप तलाक का केस अपनी बीवी की तरफ से लड़े। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं अपनी बीवी की तरफ से केस लड़ू। ये बंसल साहब बाकायदा अपनी बीवी को एलमनी दे और बतौर वकील फीस का 75% बिल बनाकर वापस ले ले। भाई बंसल साहब, आपको तलाक करवाने में महारत हासिल है। नहीं, इस शहर में किसी भी मैरिड लाइफ में क्लेश होता होगा तो बीवी के जहन में सबसे पहले बंसल साहब आते होंगे, फिर तलाक की बात आती होगी। हो सकता है ऐसा होता हो। ऐसा हाल ही में हुआ है, मिसेज निशी मल्होत्रा और मिस्टर महेन मल्होत्रा के डिवोर्स का केस देख लीजिए। जब तक आपका दखल नहीं था बंसल साहब, तब तक बिना परेशानी के सब कुछ हो रहा था। अब जैसे ही आप आए केस का तेवर ही बदल गया। ये सब आप वकील भाइयों की दुआ है। वैसे सुनील साहब, वो केस बड़ा गर्म होने वाला है। ज्यादा गर्म मत होने दीजिएगा बंसल साहब। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि बतौर मिस्टर महेन मल्होत्रा के वकील के मैं आपसे फिलहाल गुजारिश करता हूँ कि इस केस को कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लें। तो इसलिए मुझे घर बुलाकर दावत दी जा रही है। लेकिन सुनील साहब, अगर मिस्टर महेन मल्होत्रा मांगी गई एलमनी की रकम अदा नहीं करते हैं तो
केस तो कोर्ट में घसीटा जाएगा ही। बंसल साहब, मांगी गई एलिमोनी में मिसेज निशी मल्होत्रा की उम्मीद से ज्यादा आपकी बदनीयती, आपका कमीशन नजर आता है। मुझे अपनी बदनीयती पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है, ये तो मेरा पेशा है। आपका पेशा शादियां तोड़वाना होता जा रहा है बंसल साहब। औरतों को एलिमोनी का लालच देकर आप इस तलाक जैसी परंपरा को उकसा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? यही नहीं, जो शादियां तलाक के कहर से बच सकती हैं उसको भी तोड़ने के जिम्मेदार आप बनते जा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते के टूटने पर आपकी आमदनी निर्भर करती है। एडवोकेट बंसल, शादी जैसे पाक रिश्ते पर खतरा है। खतरा तो आपको इसलिए लग रहा है कि आपको पता है कि मिस्टर महेन मल्होत्रा की कोर्ट में क्या छीछा लेदर होने वाली है। वैसे मिसेज निशी मल्होत्रा के किरदार पर भी काफी सवाल उठने वाले हैं बंसल साहब। सबूत और गवाहों के साथ साथ मेरे पास दो अहम गवाह हैं, आपकी क्लाइंट की बेटियां रितु और नीतू। ठीक है, तो फिर जो होगा कोर्ट में देखा जाएगा। केस के पहले या केस की सुनवाई के पहले जो जो होगा वो भी तो सुनते जाइए बंसल साहब। अखबारों में जोर शोर से आपका जिक्र होगा कि कैसे बंसल साहब ने शादी जैसे रिश्ते को तोड़ने को अपना पेशा बनाया हुआ है। तलाक की गिनती ज्यादा होने के कारण आप हैं, अखबारों में आपकी पूरी छवि का खुलासा होगा और यह खबर बार काउंसिल के दिमाग पर भी रोशनी डालेगी। और तैयार रहिएगा बंसल साहब, आपके खिलाफ मोर्चे भी निकल सकते हैं। और जब यह सब कुछ होगा तब बार काउंसिल आपके वकालत के लाइसेंस को जब्त कर लेगी। तैयार रहिएगा, बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू सुनील सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल। चलो जी शुरू करो। इका अंदर से पका के लाया है? हाँ, क्यों? ये पिछला आधा घंटा में ये टेबल पे जो इतना तामझाम कर रहा था उसे हमको लगा कि ये अभी चूल्हा ला के रख देगा और अपन से कहेगा के बनाओ। देखिए आप, ये कांटा, ये छोरा, ये प्लेट, ये गिलास सबका चूल्हा कर यहाँ टेबल पे धर गए। अब तनिक सा खाना खाने के लिए पूरा रसोई सजाने का क्या जरूरत था भाई? अरे बाबा, यहाँ बैठकर खाने का ही ढंग होता है। हाँ ढंग होता है, अरे जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेशन वा में मत डालिएगा। अब ये शहर का डेढ़ पसली का आदमी खाता कम है और ढंग ज्यादा दिखाता है। आप चाहें बेशक तो गांव का बेढंगा आदमी से शहर का आदमी का कंपेयर कर लो, लेकिन अपन का तो भैया चूल्हा के सामने चौका में बैठकर चार पाई डालकर तृप्ति से भोजन करने में जो आनंद आता है वो यहां नहीं आ सकता। यहाँ पे हमको ऐसा लगता है जैसे हेडमास्टर ने सजा देकर बैठाया। लेकिन त्यागी, मेरी खातिर तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, चलो खाओ। अरे आपका खातिर तो हम कछु भी करने के लिए तैयार, इको खाऊं कैसे? छुरी कांटे से। जबानी जी, हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा, हमका बड़ा शर्म आ रहा है अपने ऊपर। अरे शर्माने की क्या जरूरत है, देखो मैं बताती हूँ, ऐसे अगली बार यहाँ आने से पहले मैं तुम्हें छुरी काटे का इस्तेमाल सिखा दूंगी। चलो अभी तुम अपने तरीके से खा लो, चलो खा लें अपने तरीका। हाँ। चलो आज चलते हैं घर, घर पे खाएंगे। चलो चलो। कहाँ भाई? नहीं नहीं चलो,